हिमाचल प्रदेश के रामपुर में हुई भारी बारिश के बाद कई घरों में दरारें आ गईं। ये तस्वीरें हैं ग्राम पंचायत नरेण की, जहां लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। दर्जनों घर बर्बाद हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से भी कोई जरूरी एहतियात अभी तक नहीं बरती गई है। सुनिए यहां रह रहे निवासियों का क्या कहना है। हमारे देखो जी घर के हाल क्या हो गए, पीडब्ल्यू वाले तो केयर ही नहीं कर रहे। पूरा गिरा पानी आ रहा नीचे सारा, इधर से देखो इधर से पानी, इधर से देखो इधर से पानी, पीछे से देखो इतना घर बैठ रहा, सारा दरारे पड़ी है नीचे। हम तो रात को सो ही नहीं रहे जी, बुरी हाल। रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं, भाई कब भी गिरेगा घर। तो क्या ये ड्रेनेज सही नहीं बनाया पीडब्ल्यूडी ने? वो तो आप भी लोग देख सकते हैं, दोबारा फोटो लेके दिखा सकते हैं, ऊपर बिल्कुल भी नहीं बना हुआ, उसमें कुछ भी नहीं बना हुआ। इतने साले हो गए, हम बुड्ढे हो गए जी, यहाँ बाल सफेद हो गए हमारे, बोल बोल के सुनते नहीं। हाँ जी बोले कर लेंगे जी, कोई केयर ही नहीं कर रहा। जब इतना नुकसान होगा फिर हम कहाँ जाएं? सरकार तो ही नहीं देगी हमारा भी इतना खर्चा, किस किस को देगी सरकार? आप देख सकते हैं नीचे भाई कितना है। ये देखिए सर, मेरे घर में पिछले एक हफ्ते से इतनी दरारें आ चुकी हैं, पूरा घर हमने खाली कर दिया है। हमने प्रशासन को भी 2-3 बार एप्लीकेशन दी, हमने यहाँ के MLA श्री नंदलाल जी को भी एप्लीकेशन दी, और मंडी की सांसद हमारे यहाँ प्रतिभा सिंह पाटिल जी को भी हमने यहाँ के एप्लीकेशन दी कि हमारे यहाँ पे डंगा लगना चाहिए, पर प्रशासन ने इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब देखिए सर, हमने पूरा ये रिहायशी मकान बनाया था, मेरे पापा ने पूरी संपत्ति अपनी कमाई से इसी घर को बनाया था, और अब 2019 में उनकी डेथ होगी। अब हम 3 ही सदस्य घर में, 2 भाई है और 1 हमारी मम्मी है, हम दोनों बेरोजगार है। और यहाँ देखिए हमारा घर पूरा बैठ चुका है, हमने खाली कर दिया, किराए के मकान पे चले गए सर। प्रशासन की ओर से पंचायत और पटवारी तो आए थे। किस कारण कमी किसकी थी? ये जो कमी है पूरी PWD विभाग की है, यहाँ से इतना पानी जाता है सर, पर ड्रेन की कोई सुविधा नहीं है, वो पानी ऐसे ही जा रहा है। इतनी बार उनको भी बोला कि इसमें प्रॉपर ड्रेन होनी चाहिए, पर कोई ड्रेन नहीं है, पानी ऐसे ही जा रहा है जिसमें से पूरा मकान बैठ चुका है और हमने खाली कर दिया। अब हम कहाँ से बनाएंगे सर ये मकान? अब किराए के मकान पर रह रहे हैं, हमें प्रशासन से अभी भी यही उम्मीद है कि रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से आए, यहाँ पे देखे तो सही, प्रशासन को कोई तो आए, एक्शन आए, JEE आए, कोई तो आए सर, ताकि देखे अगर अभी भी इसमें टाइमली डंगा लगता है तो अभी भी मेरा जो आधा बच्चा मकान है बच सकता है सर। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ है, राज्य को भारी ढांचागत और वित्तीय नुकसान हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.